हेलो एवरीवन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टेप नंबर 14 में हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक क्लास 10। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहां पर पहला जो आपको पार्ट दिया हुआ है ये है बेटा 2, 3, ओके, और अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है 4, 1, ठीक है। ये आपको इनका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यदि हमारा एक पॉइंट ये ए है, इसकी जो हमारे वैल्यूज हैं वो 2, 3 है, ये पॉइंट बी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4, 1 है, ठीक है बेटा। तो आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी बनता है ना बेटा। तो पहले क्या करते थे, x1 अलग लिखा करते थे, y1 अलग लिखा करते थे, x2 अलग क्या करते थे और y2 अलग क्या करते थे, और यहाँ पर क्या क्या करते थे, डिस्टेंस या फिर एंट्री, ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो यहाँ पर बन गया हमारा क्या आपका स्क्वायर रूट, और फॉर्मूला होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और क्या होता था बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला ये हुआ करता था। फिर हम क्या करते थे, इसमें वैल्यू पुट कर दिया करते थे, ठीक है बेटा। जैसे वैल्यू है 2, 3, तो यहाँ पर आप लोग क्या करते थे, 2, 3 याद होगा आपको अच्छे तरीके से, 4, 1, ठीक है। और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल दिया करते थे। स्टेप 1 में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे, इसलिए इसको हम सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे। अगला इसका पार्ट है सेकंड, 5, 7 है, माइनस का 5 है हमने, और अगला पॉइंट आपको -1, 3 दिया हुआ है, ये भी आप खुद ही सोल्व कर लेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ए कोमा दिया हुआ है बी, और अगले ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है माइनस का ए माइनस का बी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जहाँ पर 2 था और 3 था वहाँ पर तो ए कोमा बी हो जाएगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या बेटा माइनस का ए और माइनस का बी, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए माइनस ए रहेगा क्योंकि एक्स के दूसरे हैं, तो यहाँ पैसे रहेगी माइनस साइन लग के जो भी वैल्यू होगी, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, अगर ये माइनस का होता तो फिर ये क्या हो जाता बेटा, प्लस का हो जाता, पता होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद जो पहला साइन है उससे मतलब नहीं रहेगा, सेम रहेगा, ये वैल्यू अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, और अगर प्लस है तो माइनस की, वो सेम रहेगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्योंकि ये भी माइनस 1 है, माइनस का a है मतलब, और ये भी क्या आपका माइनस का a है, a कितना हो गया 2a माइनस का रहेगा, उसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा आप लोगों को। आगे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इन दोनों पर स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का कितना होता है 4a² और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4b², ठीक है। इन दोनों को हम ऐसे नहीं करेंगे कि 4 और 4 a² b², ऐसे गलत होगा, ठीक है बेटा। इन दोनों से पहले हमें कॉमन लेना होगा, ठीक है। कॉमन क्या बताइएगा, 4 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा a² + b², समझ में आप लोगों को। अब इसको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको यहाँ सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है बेटा। ये आपने नोट कर लिया है सारे का सारा, चलिए तो कैसे इसको सोल्व करना है ये आप देखिएगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आप देखिएगा, उन दोनों में देखिए क्या हम 4 के फैक्टर नहीं कर सकते हैं, 2 × 4 कर सकते हैं बेटा, इनके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि प्लस में दोनों आपस में ऐड है, तो इसलिए हम इसको नहीं सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा आपका 2, तो 2 बाहर आएगा, रूट में बचेगा आपके पास a² + b² इसी के साथ आपका आ जाएगा आंसर। और क्वेश्चन 1 के 3 पार्ट थे जो कि मैंने आपको बता दिए कैसे सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपको खुद ही करना है। क्वेश्चन 2 में क्या है देख लीजिएगा एक बार, ठीक है बेटा। डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या करना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करके आपको डिस्टेंस निकालना है। ये हो गया नंबर 2, ये 0, 0 का मतलब क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है बेटा। तो ओरिजिन से आपको इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। आपके पास जो है x1 y1 हो जाएगा 0, 0, x2 y2 हो जाएगा यहाँ पर, और सिंपली चक्के से आप लोग उसे क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बताना कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कह रहा है कि 1, 5, ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करिएगा, 2, 3 और ये है माइनस का 2, -11, ये आपको कोलिनियर प्रूफ करना है, ठीक है। कोलिनियर कहते प्रूफ करते थे, आपको याद है ना, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x1 है ना, ये हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी बेटा x2, वेरी गुड,
और एक वैल्यू हो जाएगी इसमें एक्स थ्री, ओके, और एक क्या हो जाएगा वाई वन वाई टू और हो जाएगा वाई थ्री। याद है आपको अच्छे तरीके से, यहाँ पे वन आएगा फाइव आएगा, सॉरी टू माइनस टू, टू माइनस टू, ये आएगा आपका फाइव थ्री माइनस इलेवन, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं। उसके बाद हमें याद रखना है कि कोलिनर का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, कोलिनर प्रूव करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था एक्स वन ब्रैकेट में होगा वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस रहेगा एक्स टू ब्रैकेट में रहेगा वाई थ्री माइनस वाई वन, फिर रहेगा आपके पास एक्स थ्री y1 minus y2 is equal to आपको जीरो लेके आना है, ठीक है। तो आप इसे क्या मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे और यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे, अगर वैल्यू जीरो आ जाएगी तो कोलिनियर होगा और यदि नहीं आएगी तो फिर वो कोलिनियर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन नंबर थ्री भी आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर को डिस्कस करते हैं कि फोर आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोलिनियर वाली वीडियो आप देख लेना, ठीक है, स्टेप नंबर साइज सिक्स ना सेवन था, उसको आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है बेटा। नंबर फोर देखिएगा, नंबर फोर में क्या है, चेक वेदर कि आपको पॉइंट दिए हुए हैं फाइव कोमा माइनस थर्टू, देखते हैं क्या आपको अच्छे तरीके से आया नहीं आया करना, सिक्स कोमा फोर, ओके बेटा, और एक दिया हुआ है सेवन कोमा माइनस टू, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल बोला है राइट, नहीं बोला उसने, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक रफली फिगर बना लेना है और यहाँ पर ए मान लेना है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ए की वैल्यू कितनी आ रही है फाइव कोमा माइनस टू, क्या आ रही है बेटा सिक्स कोमा फोर, क्या आ रही है सेवन कोमा माइनस टू। क्या करना होगा इसके लिए, इसकी कोई भी दो साइडें बराबर दिखानी होगी, ये कंफर्म नहीं है कि ए भी बराबर है बी सी के या फिर वो ए सी के बराबर, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, ए भी अलग निकालना होगा, ठीक है बेटा, क्या निकालना होगा ए भी अलग, फिर क्या निकालना होगा बी सी अलग, कराते हैं आपको सवाल ऐसा, सी ए अलग, ठीक है, इनमें से कोई भी दो साइडें बराबर आएगी, ठीक है। इसमें राइट एंगल प्रूफ नहीं कर रहे थे, यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगेगी, यदि वो आपसे बोलता आइसोसेलस राइट एंगल को प्रूफ करना है तो फिर हमें पाइथागोरस लगानी पड़ती, मतलब जो इनमें से बड़ी साइड आती उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दो साइडें बचती उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता, समझ में आ गया। फिलहाल क्या करना, मैं रिपीट कर देता हूँ, इस तरीके से आपको एक रफली फिगर बना लेना है, ए बी की लेंथ आप निकालोगे डिस्टेंस फोर होने से, बी सी भी निकाल लोगे और सी ए भी निकाल लोगे, ठीक है, इनमें से कोई भी दो साइडें बराबर आएगी उनको आपको दिखाना है, और जब दोनों प्रूफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा कि आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। हालांकि प्रूफ नहीं करना, चेक इसने बोला है कि है या नहीं, अगर आएगा तो यस इट इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, और अगर नहीं आएगा तो फिर वो बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है ये स्क्वायर बना हुआ बेटा के अंदर, ठीक है, उसने बोला है कि जो एक चमेली नाम की लड़की है उसने इसको बताया है कि ये आपका क्या बेटा स्क्वायर है, तो कह रहा है कि वो करेक्ट है नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन है चंपा एंड चमेली और डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर। तो देखिएगा मुझे क्या करना होगा, इसमें एक स्क्वायर आपको दिया है, इस तरीके से मैं आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, क्रोमबस स्क्वायर वाले याद होंगे आपको, इसमें यहाँ पर आपको ए गिवन है, यहाँ पर बी गिवन है, यहाँ पर सी गिवन है, यहाँ पर डी गिवन है, ठीक है। फिगर को समझने के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, ए की वैल्यू पहले इस पे लिखेंगे थ्री और फोर, दिख रहा है बेटा पॉइंट कैसे लिखते हैं थ्री फोर, अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो ग्राफ में यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्स के कितने दिए गए हैं, तो यहाँ पर कोई पॉइंट लगा हुआ है, सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर है वन टू थ्री फोर, तो हम ऐसे मैच करेंगे ना बेटा इस तरीके से, तो ये वाला पॉइंट जो होगा थ्री कोमा फोर होगा, बताओ कैसे, क्योंकि एक्स पे आप देखिएगा वन टू थ्री आपने यूनिट लिए हैं और वाई पे वन टू थ्री फोर लिए हैं। आप बुक में देखिएगा जो ए आर जो नीचे की लाइन है पहले वो ले रहे होते हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस होता है, तो वहां पर आपको थ्री दिख रहा है उसके ऊपर ए दिखेगा, और उसके सामने अगर हम जाते हैं वाई एक्सिस की तरफ तो वहां पर हमें बी दिखाने के फोर दिख रहा है, तो ये पॉइंट थ्री कोमा फोर होगा। बी का बताइए क्या होगा, बी जा रहा देखिए सिक्स के ऊपर जा रहा है ना, सिक्स सेवन पे जा रहा है, तो ये सिक्स कोमा सेवन लिखा जाएगा, सी कहाँ पे आ रहा है बेटा नाइन कोमा फोर पे आ रहा है, तो नाइन कोमा फोर लिखेंगे, और डी कहाँ पे आ रहा है देखिए सिक्स तो हमारा इसका और वाई का तो केवल वन ही है, ठीक है। अब आपके पास ये वर्टेक्स हमारे कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, तो हमें क्या करना होगा बताइएगा, अब इसके लिए हमें क्या करना है, अगर ये स्क्वायर है तो पहले ए बी अलग निकालना होगा, बी सी अलग निकालना होगा, ए बी अलग बी सी अलग, ठीक है, फिर हमें निकालना होगा सी डी, फिर निकालना होगा बेटा डी ए, ठीक है, और ये चारों साइडें जो हैं इक्वल आनी चाहिए स्क्वायर के लिए, ठीक
कि बेटा सेम होनी चाहिए। उसके अलावा भी इसमें हमें क्या निकालना होता है, डायगोनल, पहले एक ही डायगोनल निकालना होगा जो भी उसकी लेंथ आएगी, और फिर निकालना होगा बेटा बीडी। सिखाया था मैंने आप लोग को स्क्वायर वाले क्वेश्चन में, इस तरीके से आप लोग निकालेंगे अगर स्क्वायर प्रूफ करना है। अगर डायगोनल बराबर आ जाएंगे तो ये फिगर स्क्वायर बनेगा, और अगर चारों साइडें बराबर आ रही हैं, सुन लीजिएगा आंसर के, और डायगोनल बराबर नहीं आ रहे तो फिर रोम्बस। क्या बन जाएगा वो? रोम्बस। रोम्बस कब बनता है? जब चारों साइडें बराबर होती हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रोम्बस बोलते हैं। यदि चारों साइडें बराबर आ रही हैं, डायगोनल भी बराबर आ रहे हैं, तो वो बन जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोगों को स्क्वायर और रोम्बस वाली वीडियो देखनी होगी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, अब हम नंबर 6 की बात करेंगे। ठीक है, नंबर 6 में आप देखिएगा, मैं इसका आपको सेकेंड पार्ट करके दिखाऊंगा। पहला पार्ट आप खुद कर लेंगे, थर्ड पार्ट भी खुद कर लेंगे, इवन आप सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि कुछ इसमें ना अलग सा ट्रिक लगा हुआ है, तो वो बता देता हूँ क्या लगा हुआ है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है -1, -4। ठीक है बेटा, तो कैसे सोल्व करना है आप देखिएगा। हमें पहले यहाँ पे रफली कोई भी फिगर बना लेना। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप पैरेललोग्राम ही बनाएंगे या रोम्बस बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, उसने कुछ दिया ही नहीं, उसने बोला कि क्वाड्रिलेटरल है और आपको इसको नाम बताना है। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, हमने सपोज करो यहाँ पे ए माना, यहाँ पे बी, यहाँ सी, यहाँ डी। ए की वैल्यू बताइए कितनी है भैया फटाफट, -3.5। ये कितना है बेटा? 3.1। ये क्या है? 0.3। और ये है -1, -4। देखिए कैसे इसको सोल्व करना बेटा। हमारे पास जो है ए बी, पहले हमें इसका निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा इसका? बी सी लेंथ निकालना होगा, फिर ये लेंथ निकालनी होगी, फिर ये लेंथ निकालनी होगी। ठीक है, और फिर देखना है कि वो चारों बराबर हैं या नहीं है, क्योंकि डायगोनल तभी निकालना है जब वो चारों बराबर आते हैं। ठीक है, उसके बाद पता चलेगा कि उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4AB। ठीक है, 4AB AB के लिए। ठीक है, या डायरेक्ट आप चाहें तो ये भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप इनको इस चीज़ों की यहीं पर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं बेटा? AB लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी आपको फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पर कंडीशन है कि आपको पहले जितनी भी वीडियोस बना दी गई हैं स्टेप नंबर 14 से पहले, वो सारी आप पहले पर चेक कर लेंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिएगा इस इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे, तो AB पे जाना है। उसके बाद AB कहाँ है बेटा? ये रहा हमारा AB। ये क्या है मेरा X1, ये क्या है Y1, ये क्या है X2, ये क्या है Y2। तो इसमें से ये बता देना। ठीक है, तो 3 और ये माइनस का 3 है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। संधारण आप लोगों को इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर प्लस, देखिएगा बाबा। ठीक है, और ये है Y2 माइनस 5 हो जाएगा इस बात पे, तो ये होगा 1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। 3 कितना होता है? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करो, उसका स्क्वायर करो। 1 में से अगर -5 जाएंगे तो क्या बचेगा? -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और आप बस को यहीं पर लिख देंगे कितना आ जाएगा बेटा? ये आपका 52। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अगर हमारा AB 52 आया है तो क्या हमारे पास BC भी 52 आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फिर BC कर देंगे। ठीक है बेटा, तो BC के लिए भी हमें सेम यही फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन वैल्यूज जो है सर उसके चेंज हो जाएंगे, शायद 100% चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो C के जो कोऑर्डिनेट होते हैं B के वैल्यूज में से घटा देते हैं, मीन्स 0 - 3। क्या लिखेंगे? 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि दोनों को सोल्व करिएगा, -3 आएगा, स्क्वायर आप +3 का करो, -3 का करो, क्या आना चाहिए? वो 9 आएगा। ठीक है बेटा, तो 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया 13। ओहो, कुछ अलग आ गया। ठीक है, तो बराबर नहीं आया है। ठीक है, तो अभी हमें क्या समझ में आ रहा है? ये स्क्वायर और रोम्बस कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में क्या होता है, चारों साइडें बराबर होती हैं, यहाँ पर दोनों अलग अलग आ गया। अब ये या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या है, वही समझाने के लिए आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, CD। ठीक है बेटा, CD कैसे निकालेंगे मुझे बताइएगा आप लोग, CD कहाँ है पहले वहाँ जाना पड़ेगा। ये है CD, तो आप -1 में से 0 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका बेटा -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस होगा बेटा ये ना -4 - 3, तो ये होगा -4 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करने जा रहे हैं? इसको सोल्व करने जा रहे हैं।
ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, ये दोनों माइनस के हैं माइनस के 7 हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये हो गया 50। ये देखिए ये और अलग आ गया, ठीक है बेटा। अब आप देख पा रहे हैं कि चारों साइडें अलग अलग हैं, ठीक है। तो ऐसा तो तीनों साइड अलग अलग हैं, चौथी भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मैं इसको पहले ही सोल्व कर चुका हूँ कई बार, तो पता है क्या होने वाला है इसमें, तो इस साथ हटा दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप निकालने वाले हैं डी ए, तो डी ए कैसे निकालेंगे देखिए बेटा। तो पहले इस माइनस थ्री में से माइनस का वन घटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का थ्री प्लस का वन। बताओ प्लस वन क्यों हुआ, देखो प्लस वन क्यों हुआ, ये माइनस थ्री है, ठीक है, और ये वाई टू वैल्यू होगी, ठीक है। जब इसे घटाएंगे तो रिएक्शन की वैल्यू को, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सुनना है आप लोगों को, इतना तो आ चुका होगा। और ये में से इसे घटा देंगे तो फाइव माइनस का हो जाएगा, फोर है वहाँ पे, तो वो भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना आना चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस में कोई दिक्कत हो रही है तो स्टेप नंबर वन डिस्टेंस को बोला, फिर से आप एक बार देख लें, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, और टोटल होगा नाइन, नाइन का स्क्वायर होता है 81, टोटल हो जाएगा 85, ठीक है। तो क्या आपको लगता है चार साइडें बराबर आई हैं, नहीं, डी ए की वैल्यू सब अलग अलग है, ठीक है बेटा, कोई वैल्यूज बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, यहाँ पर हम लिखेंगे या वी कैन ऑब्जर्व दैट, Since we can observe that, we can observe, हम ये observe कर सकते हैं कि all sides are different, all sides are different, ठीक है बेटा। तो different है तो इसलिए इसका कोई specific नाम नहीं होगा कि ये square है, rectangle है, क्या है। Hence हम यहाँ पर लिख देंगे, hence it is, क्या लिख देंगे बेटा, it is जर्नल क्वाड्रिलेटरल, क्या लिख देंगे बेटा, जर्नल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल तो है ना, चार साइडें जिसके अंदर होती है उसको क्वाड्रिलेटरल कह देते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक उनकी चीजें होती हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि ये हमारा एक फिगर है, इसमें चारों लेंथ बराबर है, इसके डायगोनल बराबर है, तो ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। हमने कहा कि भाई इसके डायगोनल बराबर नहीं है लेकिन चारों साइडें बराबर हैं, तो फिर क्या बन जाता है, वो रोम्बस बन जाता है, ठीक है बेटा। और रेक्टेंगल पैराबोला के लिए क्या होता है कि अपोजिट साइडें जो हैं, इसकी जो अपोजिट साइडें हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। ये इसके बराबर आनी चाहिए, ये इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है बेटा। और इसके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो रेक्टेंगल बन जाता है। यदि आपने सामने की साइड जो है अपोजिट साइड है बराबर आ रही है, ठीक है बेटा, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं आ रहे, तो फिर वो क्या बन जाता है, रोम्बस। ये ध्यान रखना, इससे आपका नहीं आता है, ट्रेपेज़ियम पे नहीं जाना है, ठीक है, काइट पे नहीं जाना है, बस आपको चार चीजों की नॉलेज ज्यादा रखनी है, एक स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। अदरवाइज अगर आप कहते हैं तो हमारे साथ अलग अलग आएगी, तो वो क्या बन जाएगा आपका, जनरल क्वाड्रेटर बन जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट आप खुद सोल्व कर लेंगे, पहला पार्ट भी खुद सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसकी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देख लीजिएगा एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इक्विडिस्टेंट वाली जो है वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो जहां पर इक्विडिस्टेंट लिखा हुआ है वो वाला इक्वेशन आप लोग सॉल्व करेंगे। ओहो, डिस्टेंट लिखना है बेटा, इक्विडिस्टेंट वाली जो वीडियो थी उसको आप एक बार वॉच कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे स्टेप नंबर 13 था, इससे पहले यही पढ़ा था हम लोगों ने, अब इसको भी आप क्वेश्चन को हटा दीजिएगा। नंबर 8 देखिएगा जो कि हम सोल्व करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको पता भी हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई या वैल्यूज ऑफ वाई विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक पॉइंट ये दिया हुआ है पी, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, एक पी है, एक आपका बेटा क्यू है, ठीक है। पी की वैल्यू है आपके पास 2, -3, सुन लीजिएगा ध्यान से बेटा, और ये वैल्यू है 10, y, मींस हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों को इन दो पॉइंट में से कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, दो कोऑर्डिनेट ये दिए हैं, अगर यहाँ पर ए भी वैल्यू मिस है, एक्स या वाई कुछ दिया हुआ है, तो मान लीजिएगा ये वाला डिस्टेंस आपको 100% दिया होगा, ठीक है बेटा। तो देखिएगा उसने बोला हुआ है, और डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट है, पढ़ लीजिए बुक में, और अगर नहीं तो मैं खुद आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। पी क्यू का डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं एक बार इसको भी। तो सोल्व कैसे करना है देखिए बेटा, तो एक्चुअली आपको ना पी क्यू जो है, क्या बेटा, पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 10 यूनिट्स, ठीक है।
यूनिट मतलब होता है सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर में, वो आपको दे दिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लोग का फॉर्मूला यहाँ लगाना होगा। ठीक है, जब भी आप लोगों को यहाँ पे से कोई वैल्यू मतलब निकालनी होती है तो फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, करने का तरीका समझना होगा आप लोगों को, ये tan दिया होगा। ठीक है बेटा, तो जब भी ऐसे स्क्वायर रूट यहाँ लगा होगा, आपने पहले पढ़ा होगा, यदि हमारे पास a स्क्वायर है यहाँ पर 25 है, तो हम क्या करते थे, इस स्क्वायर को यहाँ से हटाते थे, इस पर स्क्वायर रूट लगा दिया करते थे। बात सिंपल है, यानी कि जब स्क्वायर रूट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो अगले वाले पर स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, लेकिन बीच में इक्वल टू का मार्क होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं अगर इसे यहाँ से हटाना चाहता हूँ, यदि मैं केवल बस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर क्या करना होगा, 10 का स्क्वायर करना होगा। मैं बेटा आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। और देख लीजिएगा, यहां पर हमें बताइएगा x1 कितना है, y1 कितना है, x1 है 2, ये है 3, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। जब भी आपको क्वेश्चन करना है बिल्कुल पहले आप जो है x और y को जरूर निकाल लें। अगर बड़ा क्वेश्चन ना हो, लेंथी क्वेश्चन है, जैसे कि क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हमने करे, तो वहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 यानी कि tan माइनस 2, क्लियर हुआ बेटा, tan माइनस 2 का होल स्क्वायर अलग करना है प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 3 यानी कि हो जाएगा y प्लस का 3, है ना। बताया मैंने आप लोगों को, यदि y1 माइनस का है, क्योंकि माइनस तो है ऑलरेडी है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, ये कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर 10 में से 2 गए तो 8 बचेगा, है ना बेटा। ये स्क्वायर कितना होता है, 64। अब ध्यान से सुनना, इसका स्क्वायर अभी खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसका मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा कैसे ओपन करना है, इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये वाला जो 64 इधर है, उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का 64 हो जाएगा। कितना बचेगा मुझे आप प्लीज बता देना, कितना बचेगा वहां पर जी, वो आप उसे सबट्रैक्ट करिएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा, आप देखिए 36 बचेगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, अब आप लोग क्या करेंगे, इस पे चढ़ेंगे, देखो ये इस पे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है, तो आप इस स्क्वायर को जरूर खोलिएगा, लेकिन हमें तो पता है तो स्क्वायर रूट होता है, तो हम आगे सवाल नहीं करेंगे, हम यहीं पर स्क्वायर रूट लगा देंगे। पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, सपोज करिए देखो यहाँ पर अगर 32 होता तो ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर हम इसका होल स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। ठीक है, हालांकि इसको भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर को इधर लेके आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, उसको सोल्व करो, लेकिन वो लंबी प्रोसीजर हो गया, तो हमारे पास सिंपल तरीका कौन सा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है बेटा, तो क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये आप लिख देना, चलो ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन ऐसे लिख लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेंगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू लेंगे प्लस का 6, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y के लिए आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, दिमाग लगाइए बेटा, दिमाग लगाने को उसका रख लो, टेकिंग माइनस साइन, अगर हम माइनस साइन लेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो हमारा वाई प्लस 3 ही रहेगा, लेकिन इस बार हम माइनस का 6 लेंगे। ये माइनस क्यों है पता है ना आप लोगों को, ये माइनस इसलिए हुआ है, जब भी स्क्वायर रूट से बाहर कोई संख्या निकालते हैं तो उसको हम हमेशा प्लस माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि जो 36 है वो प्लस 6 का स्क्वायर भी होता है और माइनस 6 का स्क्वायर भी होता है, तो ये आपको पता नहीं होगा कि ये 36 कब आया था, ये 36 माइनस 6 का स्क्वायर भी हो सकता है, समझा बेटा, ध्यान सुन लीजिएगा, और ये प्लस का भी हो सकता है, तो इसलिए हम लोग जब भी स्क्वायर रूट से बाहर कोई नंबर निकालते हैं तो वहां पर प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो इधर चला जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो कुल मिलाकर हो जाएंगे माइनस के 9, बताइए कैसे हुआ, तो बेटा क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का, माइनस के 6 माइनस के 3 इक्वल टू माइनस के 9, तो y की वैल्यू या तो 3 होनी चाहिए या फिर माइनस 9 होनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर यदि आप लोग 3 मानते हैं और फिर इसका डिस्टेंस निकालते हैं तो वो 10 यूनिट आएगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे माइनस 9 भी मानेंगे तब भी क्या आएगा, 10 यूनिट आएगा, उसके अलावा अगर कुछ भी मानेंगे तो वैल्यू तो आ जाएगी वीडियो की, लेकिन 10 नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे, यानी कि अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है बेटा, चलिए, एनसीईआरटी बुक है आपके पास तो बहुत बढ़िया बात है, आप देख ही सकते हैं क्वेश्चन क्या है, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है बेटा, देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये कहता है
इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट वाला है, आपके पास एक पॉइंट पी है, ठीक है बेटा, एक पॉइंट आर है, ठीक है, इसका है पी वैल्यू, इसका है आर, और इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ये है बेटा 5, -3, ये है आप लोगों के पास x, 6, x दे दिया, तो ये डिस्टेंस अगर दे दें हमें पी आर का, तो हम x निकाल लेंगे, ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा। अगर वो हम लोग को बोलता है कि पी आर जो है वो 15 यूनिट्स है या 16 या 10 यूनिट्स है, तो आप लोग जो है यहां से बड़े ही आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं दिया है, उसने बोला कोई कोई पॉइंट क्यों है, कहीं भी मान लो, यही मान लो, चाहे कहीं मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है और ये इससे और इससे जो है इक्विडिस्टेंट है, मतलब ये दूरी जो है इस वाले डिस्टेंस के बराबर रहेगा, और ये है आपका क्यों जिसकी वैल्यू है 0.1, ठीक है। ऐसा नहीं इसको आप ऐसे मान सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पॉइंट लेंगे, ऐसे लेंगे, ये वाला पी है, ये आर है, तो ये बराबर दूरी पर है, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है तरीका, लेकिन ये रहेगा जो हम सोल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है बेटा। इसमें जो है पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, और ये वैल्यू हमें 0.1 दी हुई है, तो हमें क्या निकालना बेटा, x निकालना है इसमें से, और फिर बाद में निकालना है QR और PR, कि QR और PR कितना होता। देखिएगा, एक तो आपको कल वाला सवाल जो पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को डिस्टेंस वाले में, कि PQ जो होता है ना वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या बेटा, QR के या PR के, ठीक है, वो आपकी मर्जी आप क्या लिखोगे, तो मैंने यहाँ पे QR लिख दिया, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या होता था वो आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला हमने आपको बताया था, याद करिएगा प्लीज, क्या था फॉर्मूला बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर दोनों के लिए y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हुआ करते थे। यहाँ पर भी क्या हुआ करता था, स्क्वायर रूट लगा होता था, यहाँ भी क्या लगा होता था, स्क्वायर रूट लगा होता था, दोनों बराबर है इसलिए स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाया करता था, और यहाँ पर हम लोग जो है क्या निकाल लेंगे बेटा, वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए पी क्यू वैल्यू निकालनी है, तो पी क्यू क्यू में से पी घटा देते हैं ना, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा इस इक्वल टू, अब इसमें जैसे एक्स एवरेज को मान लेंगे, ठीक है बेटा, तो ऐसे घटाएंगे ना, पहले भी थे पहला 0 - x - 0 हो जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, तो आप इसमें से इतने घटाएंगे फिर, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आप ये नहीं कर सकते कि जैसे एक वक्त आपने x माइनस जीरो कर लिया, ठीक है, सुन लीजिएगा ध्यान से, और अगली बार आपने पहले तो इसमें से घटा, अगली बार आपने 1 - 6 कर लिया, तो वो तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा, तो ये तरीका गलत रहेगा, ये तरीका सही नहीं होगा, इसको हम गलत मानते हैं, क्योंकि पहले आपने इसमें से ये घटाया, अगली बार में ये में से ये घटा दे, तो गलत नहीं हो गया, आपको इन दोनों में से या तो ये घटाना है या फिर इन दोनों में से ये घटाना है, डिसाइड आपको करना है, तो पहला पहले में से घटेगा, ये वाला इसमें से घटेगा, आपकी मर्जी है, या तो आप x माइनस जीरो पर स्क्वायर कर लो, 6 - 1 पर स्क्वायर कर लो, या फिर 0 - x कर लो और 1 - 6 कर लो, आप एक ही पढ़ेंगे, ठीक है, सोल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 5 - 5 = 25, 3 - 4 कितना हो गया 16, ये हो गया x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 - 25, ठीक है, आपको लगता कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, इस पर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आप ऐसा सिंपली कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 4, हालांकि आप -4 भी ले सकते हैं, जैसे पीछे क्या था +-4, लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हैं, इशू नहीं होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 4 आ गई, ये आ गया 4.6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें निकालना है PQ, क्या आप PQ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर लगा के, और फिर आपको निकालना है QR, तो ये भी आप खुद ही निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे बेटा, तो ये भी निकल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है एक्स वाई में रिलेशन बनाने वाला, ठीक है बेटा, तो वो आप खुद ही बना लेंगे वीडियो देख के, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एक्सरसाइज 7.1 इसी के साथ फिनिश होती है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर।